भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में भी बिना रुके, बिना थके, बिना टिके और बिना झुके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को यशस्वी, इस जीत के साथ यशस्वी बना रहा है, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता इस जीत का हकदार है। नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे दुनिया के लोकप्रिय नेता के हाथ में मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में जो कार्यक्रम विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किए गए, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2 करोड़ 61 लाख से भी गरीबों के घरों में शौचालय बनना, 45.5 लाख गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 45 लाख घरों तक बिजली पहुंचाना, 10 करोड़ से भी गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, 15 करोड़ गरीबों को इस संकट के समय, कोरोना जैसे संकट के समय उनके घर तक राशन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए संकट का साथी जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो दुनिया के अंदर या तमाम एक षड्यंत्रकारी जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है, और हम सबको अपने कार्यों के माध्यम से एक बार फिर से साबित करना है कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस चीज़ से एक बार मैं फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, चुनाव के प्रति हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का ये बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है।